आश्रम एवं काना गौशाला में मनाया जन्मदिन। नगर के भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ अध्यक्ष रोहित पहाड़ी ने जहांगीराबाद में शुभकामना। बारात घर के नजदीक बने हुए वृद्धा आश्रम में सभी बुजुर्गों को नमकीन एवं बिस्किट व फल व मास्क देकर लिया आशीर्वाद। वृद्धा आश्रम में उपस्थित वृद्ध जनों ने रोहित पहाड़ी के उज्ज्वल भविष्य की कामना की और राजकुमार गोयल ने कहा कि वृद्ध आश्रम में रह रहे वृद्ध जन कहीं किसी और देश के नहीं बल्कि भारत के ही नालायक संतानों द्वारा त्यागे गए वृद्ध हैं। ऐसी संतानों पर मुझे धिक्कार है। हमें अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा अवश्य करनी चाहिए क्योंकि पहले वही भगवान है, उसके बाद दूसरे स्थान में देवी देवता आते हैं। गोयल जी ने निरंतर बुजुर्गों की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया। रोहित पहाड़ी के साथ कान्हा गौशाला जाकर गायों को गुड़ एवं आटे की लोई खिलाई। बुलंदशहर से संजय सैनी की रिपोर्ट। मेरा नाम राजकुमार गोयल है। आप आज ये कान्हा गौशाला में जो किसने आए हो आपका दोस्त? ये कान्हा गौशाला में आने का जो मुख्य उद्देश्य है हमारा लोगों का संदेश देना है कि अपना चाहे वो जन्मदिन है या और कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, गौ हमारी माता है और गौ माता को पहला जब वो रोटियाँ बनाते हैं हमारी माताएँ बहनें घर पर तो पहली रोटी गाय के लिए निकालती हैं। वो जब भी कभी कोई हम अपना धार्मिक अनुष्ठान करें, चाहे जीवन में बच्चे का जन्मदिन हो या अपनी शादी के वर्षगांठ हो या और अन्य कोई हमारे धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम हो, उन सब में गौ माता के लिए सबसे पहले हम भोजन के लिए व्यवस्था करें। और मैं ये मानता हूँ कि गौ माता के अंदर सभी देवी देवताओं का वास है और वही एक ऐसी आद्य शक्ति हमारे बीच आज मौजूद है कि जिनके चाहे वो गौमूत्र हो चाहे वो गौ का गोबर हो वो सभी हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। और यदि हम उनका आयुर्वेद सिद्धांत के आधार पर भी देखें और जानकारी प्राप्त करें तो मैं मानता हूं कि हमारा जीवन धन्य हो जाएगा और हमें जो डॉक्टर लोग रूप प्रसूत कर रहे हैं तो धन्य हो जाएगी। और बाबा रामदेव ने जो ये मुहिम चलाई है गौमूत्र बेचने की वो बहुत अच्छी है और मैं माननीय योगी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने गौओं को जो आवारा पशु के